उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अभी एटीएम गार्ड को अधमरा करने का मामला पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर से जुर्म के सौदागरों ने दून पुलिस को ठेंगा दिखा। पुलिस की मुस्तैदी को चुनौती देते हुए अपराधियों ने दो कदम कर दून की फिजा को दहला दिया। इस बार हरिद्वार बाईपास पर स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में दो लोगों की लाश मिली है। नेहरू कॉलोनी थाने इलाके में हुई इस वारदात की खबर लगते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस ने शक के आधार पर 6 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। वहीं डीआईजी पुष्कर ज्योति ने जानकारी देते हुए बताया है कि मृतकों में एक का नाम सोनू और दूसरे का नाम कमल राम है। कमल राम रुद्रप्रयाग का निवासी जबकि सोनू देहरादून का ही रहने वाला था। अभी हम लोग पूरा स्पष्ट नहीं है कि मृत्यु किस कारण से हुई है या हत्या की गई है, जो अभी व्यक्ति किया गया है या एक्सीडेंट हुआ है, कई पॉसिबिलिटीज है। इसमें भी पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगा कि ऐसा नहीं, और सारी तरफ हमारी जांच पूरी हुई है। हम पीएम के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि ये कैसे मृत्यु हुई है, कॉज ऑफ डेथ क्या है। उसके बाद ही हम बाकी जो जांच का कार्य है वो प्रारंभ हो चुका है और ऑफिसर की रेट अपडेट हुई है और हर एंगल में हम जांच कर सर होती पूछताछ होती है और साइड ओपन इंक्वायरी है। अभी हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं प्रथम दृष्टिया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों को भी सूचना मिली, तो जैसे जैसे जाँच चली आई लेकिन